अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाक असील चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि मुर्गी अगर अंडों पे ना बैठे, उड़ जाए तो उसका क्या इलाज है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मेरी मुर्गी है ये अंडों पे खड़ी है, नहीं बैठ रही है, तो आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी मुर्गी को अपने अंडों पे बिठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दिली तौर पर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो देख के आप चले जाते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं, तो इसका ना आपको कोई फ़ायदा मिलता है ना हमें कोई फ़ायदा मिलता है। आप अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी बहुत सारी सपोर्ट हो जाएगी, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के आप उस ब्लैक में कन्वर्ट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो होता यह है कि इस टाइम आप जहाँ पे अपनी मुर्गी को अंडों पे बिठाते हो, तो रात के टाइम में मुर्गी अंडों पे बैठती है, लेकिन सुबह जब सूरज निकलता है तो मुर्गी अपने अंडों से बिल्कुल ही उड़ जाती है या फिर खड़ी रहती है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये मेरी मुर्गी है, ये भी जो है अंडों पर अभी खड़ी हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इस मुर्गी को बिठाया था, यहाँ पे ये रात के टाइम में बैठती है, सुबह जैसे ही सूरज निकलता है तो ये उठ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ पे मैंने बिठाया है इसको, यहाँ पे सूरज की तपश ज़्यादा पड़ती है। शाम तो है लेकिन जो सूरज की गर्माइश है वो इसको यहाँ पर बैठने नहीं देती है, इसलिए ये खड़ी रहती है। तो इसका और कोई इलाज नहीं है कि भाई हम ये दवाई दें या कोई देसी नुस्खा दें, इसका जस्ट एक एहतियात जो कि मैं आपको बताऊंगा। आपने करना यह होगा कि अगर आप रात के टाइम में अपनी मुर्गी को देख रहे हैं कि वो अंडों पे बैठती है, तो वहीं पे आप उसको रहने दें रात के टाइम में। लेकिन दिन के टाइम अगर मुर्गी आपकी उठती है, तो आप ऐसा करें कि उसको अगर आपने किसी टोकरी में बिठाया है, तो उस टोकरी के समेत जो है उठा के किसी ऐसी जगह पे बिठाएं जहाँ पे ठंड हो। ऐसा ना करना कि आप कोई पंखा उस पे लगा दें ताकि जो थोड़ी बहुत भी गर्माइश मिलती है, अंडों को मिलती है, वो भी ख़त्म हो जाए। आपने हवा नहीं देनी इसको, आपने उसको ऐसी जगह पर बिठाना है जहाँ पर सूरज की तपश ना पड़े। या तो अगर रात के टाइम और दिन के टाइम आप ये इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो मुसलसल के लिए मुर्गी को ऐसी जगह पे बिठाएं जहाँ पे सूरज की तपश ना पड़ सके। कोशिश करें कि सूरज की तपश से बचाएं और ठंडी जगह पे आप मुर्गी को बिठाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका। हमारी ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट्स करके हमें लाजमी बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, लाजमी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।